बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने जो है वो पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है HTML के ऊपर। सो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जो है वो कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा आपको HTML के बारे में। सो दोस्तों, आपने ये प्लेलिस्ट जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। सो दोस्तों, HTML आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है, तो बेसिकली HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप सीख के वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐप डेवलपमेंट करना चाहें तो आप HTML के थ्रू जो है वो ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको CSS के बारे में भी कुछ कंसेप्ट दूंगा। उसके अलावा JavaScript जो है वो भी यूज़ होती है HTML के अंदर, तो उसकी भी जो है कुछ मतलब टिप्स होंगे वो भी मैं दूंगा। लेकिन JavaScript जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है HTML के अंदर, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप दोस्तों के सामने शेयर करूंगा। तो आपने जो है वो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जो है वो लाजमी देखना है। तो HTML जो है वो क्या है? तो HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सो दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है कि यानी कि ये टेक्स्ट के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर है। मतलब अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखें या कोई भी चीज़ लिखें तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है जिसके अंदर आप जो है वो टेक्सिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि HTML की जो यूजेज है वो उसको आप जो है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो वो HTML के थ्रू जो है वो आप अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है क्लाइंट के लिए, तो आप अगर HTML को यूज़ कर सकते हैं तो आप जो है वो एक अच्छी सी जो है वो वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड इमेज, यानी कि आप जो है वो कोई भी इमेज होती है उसको क्रिएट करने के बाद जो है वो वेबसाइट के अंदर अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और उसका जितना भी प्रोसेस है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, HTML जो है वो ऐप डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा अगर JavaScript की बात करें तो HTML के अंदर JavaScript जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो दोस्तों, आपने ख्याल रखना है कि HTML जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। तो इसका अगर आप मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं HTML के लिए? सो दोस्तों, आप जो है वो सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं HTML को लिखने के लिए। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस जो है इसके ऊपर मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो कोडिंग करेंगे। इसके अलावा VS कोड के अंदर भी जो है वो आप जो है वो कोडिंग करके जो है वो अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। इसके अलावा सब लाइन्स का जो है वो ई जो है वो मिस हुआ हुआ है आई थिंक मुझसे, तो यह सबलाइन भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है वो HTML कोड को रन कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके अलावा ब्राउज़र आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जिस ब्राउज़र के ऊपर आप उस मतलब HTML को रन करेंगे, तो उसके लिए आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोजीला फायरफॉक्स, ये भी बहुत अच्छा एक ब्राउज़र है जिसके ऊपर आप जो है वो HTML का कोड जो है वो रन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है। इसके अलावा सवारी के ऊपर भी आप जो है वो ये कोड रन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेव ब्राउज़र जो कि लेटेस्ट आजकल चल रहा है, इसके ऊपर भी आप HTML को यूज़ करें तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा HTML5 CSS3 के ऊपर, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, वर्जन 4 होगा, वर्जन 5, वो सारी इस प्लेलिस्ट के अंदर आप दोस्तों के साथ जो है वो रेडी करूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही जो जो था वो थोड़ा सा जो था इंट्रोडक्शन था HTML के बारे में। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में मैं जो है वो आपको टैग बताऊंगा HTML के। सो अल्लाह हाफिज़।